आप कांग्रेस के राज नहीं है जहाँ पे दोनों लीडर 5 साल तक खरीदे एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहे। आज तक भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेतृत्व की एक भी मुझे आप आवाज सुना दीजिए जो वसुंधरा जी के खिलाफ निकली भी। विधानसभा का घेराव एक अलग मुद्दा है, पार्टी के युवा मोर्चा को बुलाया गया है। देखो पार्टी इतनी बड़ी है हमारी, हमारे तो ऐसे प्रोग्राम चलते हैं, कहाँ पे आपने सुना है कि भी हमारे दो धड़े हो गए? किसने कहा धड़े हैं? जीते जाते आज की तारीख में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वसुंधरा जी, और पूरी पार्टी के अंदर हम सारी भारतीय जनता पार्टी टीम लगी भी है। क्यों नहीं लगेंगे? और सब लगेंगे, सब हर प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी की एक हिस्सा हमारा जयपुर घेराव के अंदर भी जाएगा, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी मिलेगी वो काम किया जाएगा। वसुंधरा जी का नेतृत्व रहा है, कोई धड़ा बटाई की बात नहीं है। ऐसा कोई ना किसी आपके पास में कोई लिखित सूचना हो तो बताओ कि जहां पार्टी से निकाल दिया गया है वसुंधरा जी को, किसी ने निकाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और हमारे जिले में आ रही है, हमारा फर्ज है उनके मान सम्मान का प्रोटोकॉल को फॉलो करना। बिल्कुल नहीं जी, जन्मदिवस है, जन्मदिवस के अंदर जनता के बीच में जाके जनता से मुलाकात करने का ही प्रोग्राम है। शक्ति प्रदर्शन किस बात का है? भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, देश के अंदर नाम अपना कमा रही है। हाल ही में हुए तीनों चुनाव में बीजेपी जीत के निकल के आई है। पार्टी एक रूप में इलेक्शन लड़ेगी आगे भी, कहीं पे भी हमारे इस तरह नहीं कि किसी नेता के बारे में अपशब्द कहने से कोई न्यूज बनानी जरूरी थोड़ा है। आप कांग्रेस के राज नहीं है जहाँ पे दोनों लीडर 5 साल तक खरीदे एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहे। आज तक भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेतृत्व की एक भी मुझे आप आवाज सुना दीजिए जो वसुंधरा जी के खिलाफ निकली भी हो। कोई किसी के बारे में अपशब्द ना आज तक बोले गए हैं, न कोई बोलता है। मान सम्मान हर नेतृत्व का होना चाहिए। वसुंधरा जी की और शेखावत जी के द्वारा बहुत लीडरशिप क्रिएट हुई है राजस्थान के अंदर। गंगानगर से लेकर आप जयपुर जाएंगे और जयपुर से लेकर झालावाड़ जाएंगे, इन दोनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया है और उनका एक हमेशा मान सम्मान रहा है। बहुत से लीडर्स क्रिएट करे हैं और एक उनके प्रति इज्जत हमेशा रही है। कभी भी बीते हुए 4-4.5 साल में कितनी भी लोगों ने बातें की, किसी ने एक दूसरे के प्रति कभी भी कोई अपशब्द नहीं कहने की बात की नहीं करी। तो हमारा एक मान सम्मान है, इसको कन्फ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, एक युवा सांसद होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम सालासर के अंदर वसुंधरा जी का स्वागत करेगी। हमारे अतिथि आएंगे उनका स्वागत करेंगे और पार्टी कोई भी प्रोग्राम देगी, आज जयपुर का प्रोग्राम है उसमें भी लोग जाएंगे और वो प्रोग्राम उसमें भी लोग जाएंगे।